हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। सेल के कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। हम लोग बात कर चुके हैं सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ऑस्मोसिस की, और हम लोगों ने बात की थी न्यूक्लियस की, साइटोप्लाज्म की एंड सेल वॉल की। हमने सेल थ्योरी की बात की, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया, कब सेल डिस्कवर हुआ, किन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया, किन्होंने फर्स्ट सेल डिस्कवर किया, तो वो सारी बातें तो हम कर चुके हैं। आज मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि मैं बताऊंगी आप लोगों को सेल ऑर्गेनलीज के बारे में। सेल ऑर्गेनलीज क्या होती हैं और उनके फंक्शन क्या क्या हैं, तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो ये है सेल ऑर्गेनलीज क्या होती हैं, स्ट्रक्चर करेंगे। उनमें सबसे पहली सेल ऑर्गेनली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे गॉल्गी अपरेटस की, ठीक है। गॉल्गी अपरेटस क्या करता है, लाइसोसोम्स की भी बात करेंगे हम। यही तो है हमारी सेल ऑर्गेनलीज, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल। हमारे पास फिर प्लांट सेल्स के क्या आ जाएंगे, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, एंड अगेन द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स के बारे में हम बात करेंगे। यही है हमारी सेल ऑर्गेनलीज, ठीक है। सब डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। वो ऑर्गेनलीज, ये सारी की सारी जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, इनका क्या काम है, इनका अपना अपना काम है। ये सेल में अपना अपना फंक्शन प्ले करते हैं। ये एक तरह से फैक्ट्री है, सेल जो है पूरी फैक्ट्री है, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग काम हो रहे हैं। भाई जिसका जो डिपार्टमेंट है उसका वो काम है, कुछ कुछ बना रहा है, कुछ स्टोर कर रहा है, कुछ डिस्पैच कर रहा है, इस तरह की बातें हम करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबके पास सेल ऑर्गेनलीज होती हैं, क्योंकि सेल है तो सेल ऑर्गेनलीज हैं, और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली जो सेल ऑर्गेनली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गॉल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। नजर आ गई होंगी आप लोगों को। एक सेल के अंदर हम लोग देखें तो इस तरीके से हम दिखा देते हैं। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ लगी हुई है ये क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे न्यूक्लियस के चारों तरफ फैली हुई होती है। ये यहाँ पे छोटी सी जगह दिखा रखा है सो दैट कि ये पूरी जगह ना घेर ले और आप लोगों को बाकी ऑर्गेनलीज ना दिखाई जा सके। एंड उसके साथ ही लगता हुआ होता है गॉल्गी एपरेटस, फिर गॉल्गी एपरेटस से बन रहे होते हैं लाइसोसोम्स, ये हैं आपके प्लास्टिड्स, देन ये माइटोकॉन्ड्रिया रेड कलर में आपको नजर आ रही है, ये प्लास्टिड्स हैं, और ये बड़ा सा जो है ये वैक्यूल है, प्लांट सेल दिखा रखा है ना, देखो सेल वॉल है। प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, एनिमल सेल्स में वैक्यूल हो भी सकते हैं, नहीं भी, अगर होंगे तो छोटे वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल में एक सेंट्रली लोकेटेड लार्ज वैक्यूल होता है, स्टोरेज सैक होता है ये। चलो एक एक करके इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एनलार्ज करके दिखा दिया तो किस तरह से नजर आ रहा है ये इस तरह से जाले की तरह फैला हुआ है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह है। और ये जो बीच बीच में रेड कलर के डॉट्स देख रहे हो ना तुम, कहीं कहीं पे ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर रफ जैसा नजर आता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, और कहीं कहीं पे देखो ये इस तरह से बैग की तरह हो रखे हैं। ये देखो नजर आ रहा है, बैग की तरह पैक हो गया पूरा का पूरा। ये जो बैग की तरह पैक हो गए, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेसाइकल्स, ठीक है। एंड ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नजर आ रही है ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इसका जो सरफेस है वो रफ नजर आता है, प्रेजेंट कौन है, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या है, ये वो साइट है जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी हम बोलेंगे कि वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये देखो यहाँ पे ये वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नजर आ रही है, ये रफ नहीं है, स्मूथ है, चिकनी है, इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, SER, राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके की होती है, SER एंड RER। SER जो स्मूथ है, RER जो रफ है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अब देखो जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो जगह है जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। ये देखो आपको फिर से और एक्सटेंड करके नजर आ गया, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ये दो यूनिट्स में टूटा हुआ होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ना दो यूनिट्स में होता है। ये वो ऑर्गेनली है जिसकी मेम्ब्रेन नहीं है,
बाकी सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, ध्यान देना। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और न्यूक्लियस में तो होता ही होता है। एंड ये आ गई अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो जगह होती है जहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होता है, ध्यान देना। आरईआर में प्रोटीन का सिंथेसिस, एसईआर में लिपिड का सिंथेसिस। बेसिकली जो मेजर काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो क्या है, सेल को, इसको हम लोग एक तरह से साइटोस्केलेटन भी कह सकते हैं, सेल का ढांचा, उसको स्ट्रक्चर देता है, पूरे सेल में घिरा हुआ है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है पूरे सेल के अंदर। एंड ये न्यूक्लियस और सेल के आर पार, जो सेल के बाहर तक भी कंपोनेंट्स का आदान प्रदान करने में मदद करता है, एक तरह से ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करता है, चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। दूसरा, एसईआर में लिपिड का सिंथेसिस होता है, आरईआर में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ध्यान देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई थी, लिपिड की बनी हुई थी ना, दो लेयर थी, लिपिड बाय लेयर, एंड बीच बीच में प्रोटीन भी धंसे हुए थे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का काम कर रहे थे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपिड से बनी हुई है, एंड वो परमानेंट नहीं होती है, वो टूटती रहती है, बनती रहती है। तो बनने के लिए क्या चाहिए, लिपिड चाहिए। लिपिड कहाँ से आ रहा है, एसईआर से आ रहा है। तो वहां पे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब पता है क्या होता है, बायोजेनेसिस, बायो मतलब लाइफ, जेनेसिस मतलब बनना। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का भी ये रोल प्ले करता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। क्रूशियल रोल एक और ये करता है, डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजनस ड्रग्स लीवर में से, जो हम लोग वर्टिब्रेट्स है ना, इनके लीवर सेल्स में से पॉइजनस सब्सटेंसेस को भी आउट करने का काम लाइसोसोम्स करते हैं। तो क्या हुआ, देखो स्ट्रक्चर दिया सेल का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल किया, देन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस किया, डिटॉक्सिफिकेशन किया, लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, कितने सारे काम कर रही है। दो तरह की होती है, अब तुम्हें एग्जैक्टली मालूम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तुम बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। कभी कभी चार नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही आ जाता है, क्योंकि इसके पास, बेचारे के पास बहुत सारे काम है, बाकियों के सबके मुकाबले ये सबसे ज़्यादा काम करती है भी तो बहुत ज़्यादा फैली हुई पूरे सेल में, न्यूक्लियस से लेकर के, है ना, ट्रांसपोर्ट का काम इसका, लिपिड बनाने का काम इसका, प्रोटीन बनाने का काम इसका, हालांकि राइबोसोम है लेकिन राइबोसोम को रहने की जगह तो दे रखी है इसने अपने पास, है ना। तो ये सारे काम, एंड हाँ, डिटॉक्सिफाई करने का, लीवर सेल्स में से डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम इसका। अगली ऑर्गेनेल देख लेते हैं, गॉल्गी एपरेटस, या फिर हम इसको गॉल्गी बॉडी भी कहते हैं, इनका नाम पड़ा था साइंटिस्ट कैमिलियो गॉल्गी के ऊपर। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, देखो देख रहे हो तुम, इस तरह से एक कॉनकेव साइड है, एक कॉन्वेक्स साइड है, इसके लेयर में होता है, और इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं। ये जितनी भी लेयर्स हैं, दीज आर नोन एज सिस्टर्न्स। देखो ये आपको पैकेट्स नजर आ रहे हैं गोल गोल निकलते हुए, ये पैकेट्स इसी में से बन के निकल रहे हैं, अभी मैं दिखाऊंगी कैसे बन के निकल रहे हैं। ये डायरेक्टली अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो जो भी सामान बन बन के आ रहा है ना, सामान तैयार हो रहा है, उसके पैकेट तैयार करने का काम गॉल्गी एपरेटस करती है। ये जो सिस्टर्न्स हैं, इनके अंदर से होता हुआ सामान आएगा एंड बाहर पैकेट्स बन बन के ये निकल जाएगा। देखना अभी, ये देखो सामान आ रहा है, यहाँ से सामान आया, गया गॉल्गी एपरेटस में, एंड गॉल्गी एपरेटस का काम है पैकेट्स बनाना एंड उसको डिस्पैच कर देना। इसीलिए हम इसको कहते हैं पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ सेल। हो गया, पैकेट बना, इसी तरह का एक पैकेट बन जाता है ये, लाइसोसोम भी बनाती है, बाकी बहुत सारे पैकेट्स बनाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया तो इसके अंदर निकल के आएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन का नाम हो जाएगा, है ना। इस तरीके से बहुत सारे पैकेट्स, इसका काम ही पैकेजिंग का है और डिस्पैच करने का है। इसी तरीके से एक ऑर्गेनेली बना देती है ये पैकेट्स बना बना करके, जिसका नाम है लाइसोसोम्स। ये देखो, ये इसी तरह के पैकेट बन के निकले इसी गॉल्गी एपरेटस में से। इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनके अंदर पाई जाती हैं, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करती हैं,
ये काम करती हैं सेल को साफ रखने का, जो फॉरेन मटेरियल है जो कुछ सेल में अगर आ गया और काम का नहीं है उसको ख़त्म कर देना, उसको डाइजेस्ट कर देना, या जो ऑर्गेनलीज है, क्या ऑर्गेनलीज ये परमानेंट नहीं होती हैं, बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, तो वॉर्न अवे जो ऑर्गेनलीज होती हैं उनको ख़त्म करने का काम भी लाइसोसोम्स का है, मतलब एक तरह से साफ सफाई का ये काम करते हैं, लेकिन सेल को साफ करने का काम करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ये टूट जाए या डिस्टर्ब हो जाए, ये देखो बाहर से कुछ मटेरियल आया, खत्म खत्म कर दिया, नेस्तो नाबूद, नहीं चलेगा यहाँ पे कोई भी चीज है। लेकिन अपने आप भी डिस्टर्ब अगर हो जाए, कोई डिस्टर्बेंस हो जाए सेल में, तो भाई साहब ये देखो अपनी ही ऑर्गेनली को खा गया, माइटोकॉन्ड्रिया को। इस तरह से ये एक बार अगर ब्रेक हो गया, पैकेट में से ये एंजाइम्स बाहर आ गई, तो अपने ही पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे, खा जाएंगे। इसीलिए इन्हें क्या नाम दिया गया है, सुसाइड बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल लाइसोसोम्स। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ऑर्गेनलीज के बारे में बात कर रहे हैं, एंड होपफुली आप लोगों को समझ में भी आ रही है, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। तो अगर आपको मजा आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में ढेर सारा शेयर करेंगे, एंड कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि क्या चीज समझ आई और क्या चीज समझ नहीं आई, और आप इससे ज्यादा और क्या सीखना चाहते हो जरूर मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की हेल्प करके। लेकिन बदले में मैं सिर्फ ये मांग रही हूँ, चाह रही हूँ कि आप इसको बहुत सारा शेयर करो, ताकि ये वीडियोस बहुत सारे बच्चों तक पहुँच करके और उनकी हेल्प कर सके, है ना। तो कर दो धड़ाधड़ शेयर कर दो, पूरी दुनिया में जाने दो इन वीडियोस को, तुम्हें मजा आ रहा है, सबको मजा आने दो, बाकी बातें बाद में। अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्यों बोलते हैं सब बच्चे बता देंगे। मैडम एटीपी जनरेट होती है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। एटीपी कैसे जनरेट होती है, एटीपी एनर्जी करेंसी है एक्चुअल में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, हमारे करेंसी क्या होते हैं, रुपए पैसे, है ना। एंड जब हम लाइफ की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी होती है बॉन्ड्स के रूप में स्टोर्ड, बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी, बॉन्ड बना एनर्जी स्टोर हो गई, बॉन्ड टूटेगा एनर्जी लिबरेट हो गई, ठीक है। कभी बॉन्ड तोड़ने में भी एनर्जी चाहिए होती है, डिपेंडिंग डिफरेंट तरह के बॉन्ड होते हैं। नाउ यहाँ पर जो है ना एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तीन बॉन्ड्स में के फॉर्म में, फॉस्फेट के तीन बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, और जब एनर्जी चाहिए होती है तो एक बॉन्ड टूट जाता है, एनर्जी लिबरेट हो जाती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी मतलब इसमें से एनर्जी निकल चुकी है, दो बॉन्ड बाकी हैं, जब भी एनर्जी आएगी एक और बॉन्ड बन जाएगा दोबारा से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास पैसे आते हैं हम बैंक में जमा करा देते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, फिर पैसे आते हैं हम फिर जमा करा देते हैं फिर यूज कर लेते हैं, तो एटीपी और एडीपी ऐसे इंटर कन्वर्ट होता है। तो एनर्जी आती कहाँ से है, हम बचपन से छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं कि एनर्जी आती है फूड से, खाने से एनर्जी मिलती है हमारे को। वो फूड एनर्जी देता कैसे है, तुम लोगों को तो मालूम है, फूड का होता है डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज कहाँ चला जाता है, सेल में चला जाता है, सेल में यहाँ साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पहुंच जाता है, तो यहाँ पर वो पहले टूट जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में ही टूट जाता है पाइरुवेट में। अब वो जो पाइरुवेट है ना वो पहुंच जाता है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में, अब उस पाइरुवेट को तोड़ना है और उसमें से एनर्जी लिबरेट करनी है। हालांकि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, हम तो एरोबिक की बात करेंगे, सांस लेते हैं, तुम लोग भी लेते हो, सब लेते हैं, क्यों लेते हैं, कहते हैं मैम जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अरे भैया क्या कर रही है वो ऑक्सीजन, बताओ तो सही क्यों जरूरी है वो ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए, क्या काम करती है वो ऑक्सीजन, है ना, उसका यही काम है। हमने सांस लिया, लंग्स में गया, ब्लड उसको उठा करके कहां ले आया, यहां, ये है वो जगह जहां पर लड़ाई होती है, युद्ध होता है बड़े वाला, किसके बीच में, पाइरुवेट और ऑक्सीजन के बीच में, ये वो साइट है, जैसे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था ना, ऐसे
रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. दिस इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. एंड रेस्पिरेशन वो प्रोसीजर है जहां पर ग्लूकोज में से एनर्जी लिबरेट होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन आई तो यहाँ पे जो पाइरुविक एसिड पहुंचा था, देखो ग्लूकोज यहाँ साइटोप्लाज्म में था, ग्लूकोज टूटा पाइरुविक एसिड में बदल के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा. माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आई, उसको तोड़ा गया, किस में टूट गया वो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड एनर्जी इज लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस. सो दिस इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल. ये देखो एनर्जी लिबरेट हो रही है, हो क्या रहा है असल में यहाँ पे, वही केमिकल रिएक्शन हो रहा है. और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो दो लेयर है, ये जो येलो कलर दिख रहे हैं ना, बाहर वाली लेयर जो है ये क्या है, पोरस नहीं है. अंदर वाली जो लेयर है ये हाईली फोल्डेड है, ये अंदर वाली लेयर के फोल्ड्स हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है, रेस्पिरेशन के लिए जगह बनती है. और इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी. ये इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्डेड है, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं. समझ में आ रही है ना बात, मजा आ रहा है ना, कर दो फिर शेयर, धड़ाधड़ शेयर करो. इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम लोग बात करेंगे ब्लास्टिड्स की. हर ऑर्गेनेल देखो कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है. अगर ब्लास्टिड ना हो तो हम एनिमल किंगडम के बारे में सोच ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि ये ब्लास्टिड्स वो हैं जो सन की एनर्जी, ब्लास्टिड्स में भी एक हिस्सा, सारे नहीं, एक हिस्सा जो सन की एनर्जी को ट्रैप करके उसको फूड में बदलते हैं, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट्स में बदलते हैं. अरे बाप रे क्या बात है, फोटोसिंथेसिस याद है, बिल्कुल. क्लोरोफिल किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में, ये प्लास्टिड्स है, भरपूर प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल में. देखो बाकी सारी ऑर्गेनेल्स नजर आ रही है तुम्हारे को यहाँ पे, यहाँ पे ये प्लास्टिड्स में नजर आ रहे हैं. ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं, देखने में तो, बाहर से देखने में तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे दिखते हैं, लेकिन इनर स्ट्रक्चर इनका अलग होता है. एंड प्लास्टिड्स को अगर मोटे तौर पे हम डिवाइड करें तो इनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट फिर दो हिस्सों में हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, दो तरह के हो गए, क्रोमो एंड ल्यूको. क्रोमो का मतलब होता है, क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड, कलर्ड प्लास्टिक्स, डिफरेंट कलर देने के लिए, फ्लावर्स को, गाजर को, टमाटर को, जितने भी रंग तुम देखते हो पेड़ पौधों में, वो सब किसकी वजह से हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं. और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, ये कलरलेस प्लास्टिक्स होते हैं, ये ऑयल्स एंड स्टार्च वगैरह स्टोर करके रखते हैं. प्लास्टिक्स जैसे मूंगफली का तेल, सरसों का तेल कहाँ स्टोर होता है प्लांट में, सेल के अंदर, सेल के अंदर प्लास्टिक में, कौन सी वाली में, ल्यूकोप्लास्ट में, कलरलेस होते हैं. क्रोमोप्लास्ट दो टाइप के हो जाते हैं, एक हम बोलेंगे सारे डिफरेंट कलर्स, और एक जो ग्रीन पिगमेंट लेके जाता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये सारी चीज तो ल्यूकोप्लास्ट में थी. ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, और ये इस तरह से क्लोरोफिल स्टैक्ड रहते हैं, ये कॉइन के फॉर्म में, इस तरह से अगर हम एक्सपैंड करके देखें ना, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है. एंड क्लोरोप्लास्ट वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं. लास्ट ऑर्गेनेल की बात कर लेते हैं, दैट इज वैक्यूल्स. सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल्स में हो भी सकते हैं, नहीं भी होंगे तो बहुत छोटे हो जाएंगे. प्लांट में तो सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, ये एनिमल में देखो छोटे छोटे से वैक्यूल्स हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट में देखो सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है, स्टोरेज हाउस. भाई प्लांट काम कर रहा है भाई, कुछ बना रहा है, स्टार्च बना रहा है, जो भी चीजें वो प्रोड्यूस कर रहा है वो वैक्यूल में स्टोर करता है. मैं वैक्यूल से हट जाती हूँ. टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, ये बनावट फुलावट बनाए रखता है. और अमीनो एसिड्स हुआ, शुगर्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, वो सब इसमें स्टोर होते हैं, किसमें, वैक्यूल में. स्टोरेज हाउस ऑफ सेल कहा जाता है वैक्यूल को. एंड कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे अमीबा है, फूड वैक्यूल होता है, क्या जो खाना उसने खाया वो उस फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है, फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है. तो वहां पे एनिमल में वैक्यूल का काम क्या हुआ, और वो सिर्फ खाने खाने का नहीं, उसको एक्सपेल करने का काम भी करता है, वैक्यूल से उसका
एक्सक्रीशन होता है, एक वैक्यूल ही है जो खाने को भी खा लेता है, ना उसमें ऑर्गन है ना कुछ और है, तो वैक्यूल खाता है और वैक्यूल ही आउट कर देता है। सो बच्चे लोग, आज इस टॉपिक की समरी कर लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आप जानते हो कौन सी हैं। सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड है राइबोसोम्स को छोड़ करके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स का, और राइबोसोम्स की प्रेजेंस के हिसाब से दो तरह की होती हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो रफ, नहीं है तो स्मूथ। गॉल्गी एपरेटस मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स हैं, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं, इनको सिस्टर्न्स कहा जाता है। ये डिस्पैच करते हैं पैकेज्ड मटेरियल को अलग अलग जगह पे, है ना, डिस्पैचिंग, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ सेल गॉल्गी एपरेटस को कहा जाता है। यही लाइसोसोम भी बनाता है, लाइसोसोम का पैकेट भी गॉल्गी एपरेटस ही तैयार करता है ना, याद रहे ना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, बिकॉज ये एनर्जी जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है? इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में मेम्ब्रेन और लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होती हैं, दो तरह की होती है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर, क्रोमो को फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में जिसमें क्लोरोफिल होती है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो स्टोरेज है। लास्ट आगे हमारे पास वैक्यूल, जो प्लांट सेल्स हैं उनमें सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल होता है काफी बड़ा सा, जो कि इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस तो स्टोर करता ही करता है, इसके साथ साथ वेस्ट सब्सटेंसेस को भी स्टोर कर लेता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। तो बच्चे लोग यहीं पे इस टॉपिक को खत्म करते हैं, एंड दिस इज इट, टॉपिक को खत्म करते हैं। इंट्रोडक्शन नहीं है, ये वीडियो मेरी दोबारा चल पड़ी है, इस पे ध्यान नहीं देना तुम लोगों ने, क्योंकि हम तो टॉपिक खत्म कर चुके हैं। आप लोग फिर से बोलू क्या करोगे, शेयर करोगे ढेर सारा इस वीडियो को, एंड कॉपी पेन के साथ नोट्स लोगे, तैयार करोगे इस टॉपिक को। कुछ चीज समझ में आए तो कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की मदद करके, और जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना तो मेरा दिन बन जाता है। तो आप मेरे दिन बनाते रहो, मैं आपकी हेल्प करती रहती हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, गुड बाय, सी यू अगेन।